हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप टेन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की दोस्तों, और आज की टॉपिक हमारी रहने वाली है लेंसों के सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल। और आज हम उन्हीं न्यूमेरिकलों का चर्चा करेंगे दोस्तों जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और पूछने के जो चांस होते हैं दोस्तों, उन्हीं सभी प्रश्नों का आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों। और आज हमने कुछ चीजें पहले से लिखा है दोस्तों, वो चीजें यदि आपके दिमाग में रहती है, यदि आपके दिमाग में है तो आप किसी भी सवाल को मिनटों दो मिनटों में लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इन चीजों से रूबरू होंगे। इनको रूबरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो एक छोटा सा काम है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि ये जो सारी चीजें बनाई गई हैं, ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें चिन्ह परिपाटी से लिखी गई हैं और चिन्ह परिपाटी आपको बताया गया है। पर कुछ प्यारे से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सवाल लगाते समय वो चाहते हैं कि सारी चीजें प्लस माइनस कैसे लिखा जा रहा वो हमको भी पता होना चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है और आज जिन फार्मूले पर हम सवाल का अध्ययन करने वाले हैं वो सारे फार्मूले नीचे लिख दिए गए हैं। अब इन्हीं फार्मूलों पर आज हम सवाल का अभ्यास करेंगे दोस्तों। और आपके आज इस वीडियो का और इस सीरीज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है। अगर अभी जितने बच्चों ने शेयर नहीं किया होगा वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों अपने उन सभी दोस्तों के पास जिनको यूपी बोर्ड टॉप करना है दोस्तों। चलिए हम लेक्चर की सबसे पहली सवाल आपको स्क्रीन पे दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे इस समय प्रश्न दिखाई पड़ रहा है जरा सा भी हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम मक्खन के जैसा सवाल है। पर बड़ी बात यह है 2019, 2017, 2011 मतलब यूपी बोर्ड के तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तीन साल ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन की वैल्यू आप समझ सकते हैं। आइए सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा दोस्तों, एक वस्तु उत्तल लेंस के द्वारा किसी पर्दे पर तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात आप समझिएगा ये क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी जाए तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि आप सोचो वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया दोस्तों कि आवर्धन का फार्मूला यदि आप देख पा रहे होंगे तो आपके सामने यहां लिखे हैं यम बराबर वी बटे यू एच डैश बटे एच। अब हमारे पास वो भाई साहब प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिए हैं, न तो वस्तु की लंबाई दिए हैं, तो हम ये वाले फार्मूले को सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि यम इक्वल टू वी बटे यू डायरेक्टली रखेंगे। तो कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे, रेखीय आवर्धन। क्या दोस्तों, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होगा, वी बटे यू के सूत्र का उपयोग करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे। अब हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसके सामने कोई एक वस्तु रखी गई है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत डायग्राम देखना है तो आप डायग्राम से सवाल को समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपने ये कोई वस्तु रखा है उत्तल लेंस के सामने, इस वस्तु की दूरी u होगी। अब बोल रहा है कि इस जो ये जो वस्तु है ना, इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से, लेंस के वस्तु के दूरी से तीन गुना बनता है। आप समझिए कितना बनता है, तीन गुना बनता है, अर्थात ये m की वैल्यू तीन दी गई है दोस्तों, रेखीय आवर्धन की वैल्यू तीन दी गई है। m बराबर आपको दिया गया है तीन, कितना तीन गुना जो बोला है वो यम की वैल्यू आपको दी गई है। तो यम के स्थान पे अगर हम यहां रख दें तीन बराबर वी बटे यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे प्यारे बच्चों, तो वी बराबर आ जाएगा थ्री यू, अर्थात जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के कितना होगा, तीन गुना होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आगे स्थिति में कह रहा कि अर्थात वस्तु पर्दे की स्थिति और वस्तु की स्थिति बदल दी जाए, जो वस्तु आपका यहां था वो वस्तु जहां पर्दा है वहां पर हो जाए, जो पर्दा था वो वस्तु के पास आ जाए, तो ये फार्मूला ही बदल जाएगा दोस्तों। जहां v है वहां u हो जाएगा, जहां u है वहां v हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों वस्तु तथा पर्दे की, वस्तु तथा
पर्दे की स्थिति बदलने पर, वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल देने पर, क्या दोस्तों, स्थिति बदल देने पर, स्थिति बदल देने पर यू वी हो जाता है, वी यू हो जाता है। तो बदल देने पर रेखीय आवर्धन, क्या दोस्तों, रेखीय आवर्धन। मान लेते हैं इस बार रेखीय आवर्धन यम डैश होगा, यम डैश बराबर हो जाएगा, जहां वी है वहां यू हो जाएगा, जहां आपका यू था वहां वी हो गया। अब दोस्तों यू तो आपको पता नहीं है, यू यू ही मान लेते हैं, परंतु वी जो है वो तीन यू के बराबर है, यू से यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एक बटे तीन मिल जाएगा। तो जो नया आवर्धन है वो एक बटे तीन आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका जो तीन साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभ्यास आज के बताए गए हर सवालों का आप सेल्फ से जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे इस क्रम का अगला प्रश्न देखेंगे, तब तक आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा दोस्तों। आपका जो इसी क्रम का दूसरा प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये जो प्रश्न है ना वो 2013 में पूछा गया है, किस सत्र में, 2013 में, और दो नंबर का पूछा गया है, ठीक। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, तो आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए मैंने चार्ट बना के रखा है, कहीं भी भटकना नहीं, केवल फोकस फोकस करना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेमी है, परंतु हम -30 सेमी रखेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बताती है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, होनी चाहिए। आगे करा है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी गई है, तो भाई इस लेंस तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। चलिए अब हम बात करेंगे, सवाल क्या करा कि लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, 15 है या 10 बोल रहा था अभी, एक बार कितना दोस्तों, 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी जो होती है अवतल लेंस के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो वो चीज जरूर रखेंगे कि U की वैल्यू जो होती है वो कितना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। अब आपसे V पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो अब हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे होंगे कि लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे तो वी की वैल्यू हमको आराम से मिल जाएगी। तो लेंस का सूत्र लगाते हैं, लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से, क्या कहता है, 1/v - 1/u बराबर 1/r। अगर 1/u - 1/u का पक्षांतर उधर कर देते हैं, अर्थात -1/u बराबर के उधर जाता है दोस्तों, तो प्लस हो जाता है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। केवल दोस्तों सबकी वैल्यू रखनी है, f की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे -30 है, और u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -15 है, 1/ क्या हो जाएगा, -15, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, -15, तो -1/30 रख सकते हैं, और यहाँ -1/15 लॉस लेंगे 30 और 15 का, तो 30 ही आएगा, 30 एकम 30, तो यहाँ -1 प्राप्त होगा दोस्तों, 15 दूनी 30 तो -2 प्राप्त होगा, -2 और -1 जोड़ देंगे, -30 3/30 हो जाएगा, 3 1 3 3 10 30, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो 1/v बराबर -1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ये माइनस यहां से हम हटा देंगे, केवल वहां माइनस चिन्ह को बताता है, क्या चिन्ह को बता रहा है दोस्तों, चिन्ह को ये बता रहा कि जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो अगर अगर ध्यान देना, देख लीजिए यहां मैंने चार्ट बना के रखा है कि यदि यदि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो
प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहां पर देखिए जो ये प्रतिबिंब बना है, ये जो आभासी प्रतिबिंब है, ये जो आभासी प्रतिबिंब है उसके लिए ये प्लस है, परंतु हमारे लिए क्या आया है, माइनस आया है। अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर, मतलब जिधर वस्तु रखा है उधर ही बनेगा दोस्तों। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपको आंसर में भी लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में जब आप दोस्तों इतना लिख के आएंगे तो आपकी कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस की आप फोकस दूरी देख रहे होंगे ऋणात्मक होता है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब आपसे यू पूछ रहा है, उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने, मतलब 12 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी से माइनस होगा। तो देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी जो अवतल लेंस में होती है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और जो कि क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो हमने वहां से देख के रखा दोस्तों। अब यू की वैल्यू आपसे पूछी है तो लेंस के सूत्र से, किसके दोस्तों, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हम करते क्या है, वैल्यू उठा के रखते हैं, v के स्थान पर रखेंगे 1/-12 माइनस 1/u, 1/f f के स्थान पर रखेंगे दोस्तों -20। ये -12 उधर की तरफ जाएगा तो ये सारा चीज उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा प्लस होगा, तो 1/-20 प्लस 1/12। 12 और 20 का दोस्तों हम लसा पर ले लेते हैं, यदि आपको एलसीएम नहीं आया तो आप गुणा कर सकते हो, उम्मीद है दोस्तों सबको एलसीएम आना चाहिए। 2 × 12 = 20 × 6 = 10 फिर 5 × 5 = 15 × 2 = 30 कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। कितना आएगा दोस्तों एलसीएम, 60 प्राप्त होगा। 20 × 60 तीन बार जा रहा है, 3 × 1 से करेंगे -3, 12 × 5 = 60 तो 5 × 1 से करेंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 2, 2/60 ये कटा देंगे 1/30, ये आया 1/-1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों u = -30 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु को हम कहां पर रखते हैं दोस्तों, वस्तु को अगर हम 30 सेंटीमीटर दूर रखें, वस्तु को यदि हम 30 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूर रखने पर क्या दोस्तों, 30 सेंटीमीटर दूर रखने पर क्या, 30 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का जवाब, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। दोस्तों आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और यूपी बोर्ड के 2015 और 12 में पूछा गया है, और कितने नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर का है। क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए फोकस दूरी को हम लिखते समय ऋण का चिन्ह नहीं लगाएंगे, इस बार एफ तो प्लस 50 है। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु के 2 गुने अर्थात यम की वैल्यू 2 दिया, अभी जस्ट हमने ऐसा पहला सवाल हम लोगों ने लगाया था दोस्तों, 2 गुने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को कितनी दूरी पर रखना होगा, लेंस को कितनी दूरी पर रखना होगा, अर्थात दोस्तों यू की वैल्यू पूछा दोस्तों। आप देखिए इस प्रकार के जो गुने वाले सवाल हैं वो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप ऐसे सवाल का अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब सवाल आपको अच्छे मार्क दिलाते हैं दोस्तों।
अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि हमारे पास पहले v की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों, तो हमारे पास m वाला फार्मूला है, m बराबर होता है v बटे u, v बटे u। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, m की वैल्यू क्या रख देते हैं, दो रख देते हैं, v बटे u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, v बराबर आ जाएगा 2u। परंतु दोस्तों एक बात यहां ध्यान से देखना होगा कि मुझे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना होगा, और चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने के बाद यदि आप देखेंगे तो आपको जो ये चीज होगी वो आपको क्या मिलेगी, माइनस मिलेगी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस 2u होगा। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, लेंस का सूत्र उपयोग करके u की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लेंस के सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, u की वैल्यू लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है, एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है, माइनस टू यू, एक बटे माइनस टू यू माइनस एक बटे यू है, बराबर f की वैल्यू कितनी है, 50 है। 2u और u का आप एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हैं दोस्तों, कितना आएगा। यदि दिक्कतें आती हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, माइनस टू यू माइनस हटाइए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, माइनस हम ऊपर लिख लेंगे, 2u और ये u आ गए। अब क्या करते हैं, 2u से कैंसिल होगा, u का गुणा इधर होगा तो माइनस यू आएंगे, u से कैंसिल होगा तो माइनस 2u का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक, बराबर 1/50। क्या करते हैं, आगे हल करते हैं इधर की तरफ, तो माइनस यू और माइनस 2u जोड़ के माइनस 3u आ जाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर हो जाएगा, 2u स्क्वायर, 1u से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/ क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। क्या करते हैं दोस्तों, गुना करते हैं, 2u का गुना इधर कर देते हैं, इनका गुना यहाँ करते हैं, तो 3/2u बचा है नीचे, बराबर 1/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2u 50 दिए या 150, 150 हो गए, 2 से कटा देंगे दोस्तों तो 75 आ जाएगा, अर्थात u की वैल्यू -75 सेंटीमीटर होगी। अर्थात उस वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, -75 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना बनेगा। एक बार आप आंसर जरूर मैच कराते हैं दोस्तों, कि क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं, जी बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे हैं दोस्तों, लेंस जो वस्तु है उसको 75 सेंटीमीटर दूर ही रखा जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करने वाले अगले प्रश्न का, और अगला प्रश्न भी दोस्तों आपसे जो है 3 नंबर का पूछा गया है। आइए हम देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, वो भी 2015 में ही पूछा गया, किस सत्र में पूछा गया दोस्तों, 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि 3 नंबर का है दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है, 5वां है। क्या कर रहा है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर। देखो दोस्तों वस्तु की दूरी दोनों के लिए ऋणात्मक होती है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है, कि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है दोस्तों। तो देखिए उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, प्लस होती है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो v होगी वो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, आगे आपसे क्या कर रहा है, कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अर्थात f ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चे थ्योरी की क्लास अटेंड किए होंगे और आज कुछ सवालों का अभ्यास कर लिए हैं, वो बच्चे इन सवालों का जवाब जरूर दे सकते हैं। वीडियो को अभी आप यहीं पॉज कीजिएगा और इन सवालों को अपने आप से लगाइएगा, कि देखिएगा आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि काश हम 2015 के एग्जामिनेशन में बैठे होते और ये 3 नंबर का अगर हमारे लिए प्रश्न आया होता, क्या हम इस प्रश्न को इस समय कर सकते हैं। प्यारे बच्चों जो कीजिएगा, करने के बाद आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, सर मैंने अपने आप से इस सवाल को लगाया था। देखिए क्या है, अब लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे दोस्तों, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र कहता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब क्या करते हैं दोस्तों, v की वैल्यू रखते हैं 1/20 है, u की वैल्यू कितनी है, -30 है, देखिएगा बराबर 1/f। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/20 प्लस 1/30, 30 और 20 का लसा पलेंगे दोस्तों 60 आएगा, क्या आएगा 60। चलिए क्या करते हैं,
30 और 20 का लसा लेते हैं तो 60 आएगा, 20 तिहाई 60 तो 3 आ जाएगा, 30 दूनी 60 तो 2 आ जाएगा, बराबर 1/f, 3 दो 5, 5/60, 5 के 5 12 आ जाएगा, 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, अगली बार आ जाएगा यह बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी, अर्थात फोकस दूरी धनात्मक है तभी तो आपके प्रश्न में उत्तल लेंस दिया था। इस प्रकार आपका दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि 2016 में पूछा गया है। किस सत्र में पूछा गया दोस्तों? 2016 में, और ये 4 नंबर का 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या आप इन प्रश्न को जानना चाहते हैं जो 2016 में 4 नंबर का पूछा गया दोस्तों? वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगेगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6वां है ये, और आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से। भैया हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है ना, तो यह बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर, अर्थात ये धनात्मक वैल्यू रखेंगे। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी तो सबके लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यू की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी दोनों बताइए, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये बताना है, वी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? लेंस के सूत्र से क्या करेंगे? 1/v - 1/u बराबर 1/f का उपयोग करेंगे दोस्तों। v की वैल्यू कितनी है पता नहीं, परंतु u की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है ना। माइनस u की वैल्यू कितनी है दोस्तों? -30 है, बराबर 1/f, f की वैल्यू 15 है। माइनस माइनस कर जाएंगे तो 1/u v + 1/30 बराबर 1/15। ये वाला पक्ष उधर जाएगा दोस्तों, तो ये वाला पक्ष जब उधर जाएगा तो ये वाला पक्ष जब बराबर उधर जाएगा तो माइनस होगा। 15 और 30 का एलसीएम 30 आएगा दोस्तों, 15 दूना 30 तो 2, 30 एकम 30 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1/30, 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, v बराबर 30 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। सोचिए आपको 4 नंबर का जो प्रश्न आता है वो इतना सरल आता है, तब भी कुछ प्यारे से नन्हे मुन्ने जो बच्चे रहते हैं वो एग्जाम में इन प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं दोस्तों, तो जाके कष्ट होता है। आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है आप किस माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आप प्रश्न को छोड़ रहे हैं। आप प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है। यदि न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल कीजिए, ये नहीं कि न्यूमेरिकल के स्थान पर आप थ्योरी क्वेश्चन 10 आप पास कर लोगे प्यारे बच्चों, 11-12 की क्लास में आपको हर 70% आपको जो है न्यूमेरिकल से ही रूबरू करना पड़ेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले क्रम का प्रश्न देखते हैं। काफी सवाल लेंस के सूत्र पे हो चुके हैं दोस्तों, अब हम ऐसे कुछ सवाल देखेंगे जो कि इससे हट के है। देखिएगा दोस्तों क्या करा है आपको स्क्रीन पे, 2016 में पूछा गया जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, और ये वाला प्रश्न पहले वाले सवाल के जैसा मिल रहा है दोस्तों। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता, दुगुना बड़ा मतलब जब गुना आ गया तो m की वैल्यू 2 गुना दिया है। आगे कह रहा u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, परंतु दोस्तों माइनस लगा देंगे क्योंकि वस्तु की दूरी दोनों लेंसों में ऋणात्मक होती है। आगे कह रहा कि लेंस की आपको क्या ज्ञात करनी है, लेंस की क्या बताना दोस्तों? फोकस दूरी ज्ञात करनी, अर्थात f की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको m की वैल्यू 2 दी गई है, u की वैल्यू -15 है, f पूछ रहा, तो हम f को तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु f को ज्ञात करने के लिए हमारे पास v और u दोनों वैल्यू पता होने चाहिए। u की वैल्यू आपको दी गई है परंतु v की वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसके लिए हम m का फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर होगा v/u। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो u होता है, या हम बात कर ले ये किसकी बात कर रहा है, उत्तल लेंस की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस की बात करेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा? -v/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? -v/u हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस
वी की वैल्यू नहीं पता, परंतु यू की वैल्यू पता है, -15 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वी बटे 15। यहाँ यम की वैल्यू 2 है, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, 30 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये वी मिल गया, ये यू मिल गया दोस्तों, अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहां से एफ आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेंस के सूत्र से। किसके सूत्र से दोस्तों, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। चलिए वैल्यू रखते हैं, वी की वैल्यू 1/30 है, यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -15 है बराबर 1/f। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 1/15 इक्वल टू 1/f। 15 और 30 का लसअप दोस्तों 30, 30 * 30 तो ये आपका 1 आ जाएगा, 15 * 30 तो 2 आ जाएगा, 1/f। 2 * 1 = 3, 3 * क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 बराबर 1/f। क्या करते हैं, 3 * 3 = 3, 3 * 10 = 30, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी होगी वो आपकी कितनी आएगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। अब हम कौन से फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे, इन फॉर्मूले पे, लेंस की क्षमता पर आधारित कुछ प्रश्न दोस्तों। आपको जो स्क्रीन पे इस समय प्रश्न दिखाई पड़ रहा है वो यूपी बोर्ड के 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 नंबर के, कितने दोस्तों, 2 नंबर का। पर प्रश्न ये आपके जो इतनी देर तक आप लोग लगा रहे थे उस प्रश्नों से अलग है। क्या पूछ रहा है, किसी लेंस के वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब के लंबाई का जो अनुपात है 1:4 है, मतलब वस्तु की लंबाई अर्थात h और बटे h डैश, यही चीज कर रहा है ना दोस्तों। क्या कर रहा है, h/h बराबर 1/4, या हम इसी को दूसरे वर्ड में लिखना चाहें इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों, h अनुपाते h बराबर 1:4, ये दिया है। अब आपसे पूछ रहा है u और v में क्या अनुपात होगा, अर्थात u और v का अनुपात पूछा। क्या पूछा दोस्तों, u अनुपाते v की वैल्यू फाइंड आउट करना। कितना सरल सवाल है दोस्तों, केवल घुमा के पूछा है। आप एक फार्मूला जानते थे दोस्तों, m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर v बटे u, परंतु वो पूछा है u बटे v, u और v का अनुपात, u ऊपर जाएंगे v नीचे आएंगे तो h भी ऊपर चला जाएगा, h डैश भी नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिल जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, h/h हो जाएगा बराबर v/u/ क्या हो जाएगा, v, मतलब इस ये ऊपर चला जाएगा तो ये पक्ष भी ऊपर आएगा, ये पक्ष नीचे आ जाएगा, ये पक्ष नीचे आ जाएगा, बात समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए, यदि हम इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं h/h, इसे लिख सकते हैं u/v। तो देखिए आपके पास क्या दिया गया है, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों। अब आप जानते हैं ठीक, यदि हमको क्या चाहिए, यदि एक मिनट, आपसे क्या यू और वी पूछा था, वी और यू पूछा दोस्तों, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यू और वी में अनुपात पूछा है, तो आपका प्रश्न अभी तक तो सही चला था। अब देखिए h/h का अनुपात कितना दोस्तों, 1:4 बराबर u अनुपाते v। देखिए कितना गजब मक्खन के जैसा ये सवाल आया, आपको कुछ भी नहीं करना था, h/h का अनुपात दिया था, वस्तु की लंबाई 1 थी, प्रतिबिंब की लंबाई 4 थी, ठीक, ये दिया था। अब u और v पूछ रहा था भाई साहब, हमारे पास एक इकलौता फार्मूला था m बराबर h/h v/u, परंतु वो पूछ रहा है u का अनुपात v से, तो u को ऊपर ले जाओ, v को नीचे ले जाओ, तो ये भी ऊपर चले जाएंगे, ये भी नीचे आ जाएंगे, फिर आपको h/h बराबर u/v, इसी को हम लोग लिख सकते हैं h/h, इसे u अनुपाते v वैल्यू रख देते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका दोस्तों 8वां नंबर। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 9 इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, क्या करा है, बड़ी बात यह है 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों,
जो 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा, क्या करा? एक लेंस 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो भैया यू तो सबके लिए ऋणात्मक होता है, इसके लिए भी ऋणात्मक होगा चाहे जो लेंस हो। दुगना बड़ा, मतलब दुगना मतलब एम की वैल्यू 2, बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी, इससे पहले ऐसा सवाल आया था तो वहां वास्तविक कह रहा था इसलिए माइनस लगा था, अब यहां आभासी कह रहा है तो हमारे पास क्या करा, लेंस के प्रतिबिंब की दूरी अर्थात वी ज्ञात करना है, वी फाइंड आउट करना है। दोस्तों आगे कह रहा है लेंस की फोकस दूरी, बिना तो वी फाइंड आउट किए आप इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, एम बराबर होता है वी बटे यू, यू वी बटे यू। अब आप कहोगे सर आप माइनस इस बार क्यों नहीं लगाए, तो प्यारे बच्चों यहां आभासी की बात हो रही है तो आभासी में प्रतिबिंब आपके ऋणात्मक नहीं होता, यू आपका ऋणात्मक होता है। तो रखेंगे वी की वैल्यू नहीं पता परंतु यू की वैल्यू -16 है, यम की वैल्यू 2 है, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई वी बराबर 16 दूनी 32 अर्थात -32 सेंटीमीटर आएगा। ये किसकी वैल्यू आप प्राप्त कर लोगे, वी की वैल्यू जो आपसे फर्स्ट पोर्शन में पूछा था। अब यही पूछा लेंस की फोकस दूरी, तो भाई लेंस के सूत्र से लगाइए, लेंस के सूत्र का उपयोग कीजिए। लेंस का सूत्र कहता है 1/V - 1/U बराबर 1/F। क्या करते हैं अब ध्यान से देखिएगा, वी की वैल्यू तो नहीं पता है, पता है वी की वैल्यू पता है 1/-32, माइनस यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों -16 है बराबर 1/F। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/-1/32 प्लस 1/16 बराबर 1/F। 16 और 32 का लसअप 32, 32 1 के 32, तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस 16 दूनी 32, 2 1 के 2 बराबर 1/F। 2 में से 1 घटाएंगे 1/32 बराबर 1/F, क्रॉस मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों तो यह बराबर क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी 32 सेंटीमीटर आएगी, जो कि आपके 4 नंबर का प्रश्न था। इस प्रकार आप सॉल्व करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अर्थात यफ पूछा है, यफ पूछा है और साथ में लेंस की प्रकृति पूछी है, लेंस की प्रकृति। तो दोस्तों यदि आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बता के रखा कि अर्थात किसी लेंस की जो क्षमता होगी या किसी लेंस की जो प्रकृति होगी वो उसके फोकस दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि फोकस दूरी आपकी क्या आती है तो ऋणात्मक आता है तो अवतल लेंस होता है, और फोकस दूरी धनात्मक आता है उत्तल लेंस होता है। तो आइए पहले हम एफ ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है लेंस की क्षमता का, पी बराबर 1/F। आप इसे मीटर में ज्ञात कीजिए चाहे जिसमें, आपका सवाल क्यों सही रहेगा। अब देखिए यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यफ बराबर आ जाएगा 1/P। अब पी की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 1/-5 है, ठीक। अब आप इनको भाग देंगे ना तो आपको पता है यफ इक्वल टू -0.2 मीटर आएगा। किसमें आएगा दोस्तों 0.2 मीटर। आप चाहो 100 का गुणा कर दीजिए चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए। हाँ देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक आई है लिखेंगे, चूंकि फोकस दूरी क्या है ऋणात्मक है, फोकस दूरी क्या है दोस्तों ऋणात्मक है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः कौन सा लेंस होगा दोस्तों, अतः अवतल लेंस होगा। आप वहां ग्राफ में देख लीजिए फोकस दूरी जिसका ऋणात्मक है वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक। इस प्रकार दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका एक बार आंसर जरूर मिलाएंगे, आंसर आपका मैच कर रहा होगा। आगे दोस्तों आप इसी क्रम का आपका अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या करा वो देखिएगा, वो 2019 में यहीं पर बात कर ले रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 2019 में 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जब भी पूछेगा तो आपको 2 ही नंबर का पूछेगा, क्या करा किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है अर्थात पी इक्वल टू -2 डायोप्टर। यफ पूछा है और लेंस किस प्रकृति का होगा वो बताना है। तो आइए सेम टू सेम ऐसा सवाल है, इन सवाल को हम छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट लगाइएगा यह बराबर 1/P। और इसका जवाब आप दोस्तों
कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जो है अपना रिप्लाई नहीं देते दोस्तों कि लेक्चर कैसा लगता है दोस्तों, तो थोड़ी सी निराशा होती है। तो आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि कमेंट आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको क्या आता है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। यदि नहीं आएगा, पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आने की कोई ऐसी ना आने की कोई बात यहाँ होगी ही नहीं, आना अनिवार्य है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आज आपने जितनी भी टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल का आपने अभ्यास कर लिया दोस्तों। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज आपने जितने भी सवालों का अभ्यास किया दोस्तों उसका सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तो उसको आप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।